हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपका कोई इक्विपमेंट होता है जी, उसको अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो हम बोलते हैं 220 या 230 वोल्ट उसको चाहिए होगी, ठीक है। तो उसकी 230 जो होगी राजी, उसकी रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी, ठीक है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ये बोलता है, अगर रेटेड वोल्टेज में अगर प्लस माइनस 5% का वेरिएशन है, ठीक है, मीन्स अगर उसमें 5% ज़्यादा आ रही है या 5% रेटेड वैल्यू से कम आ रही है, तो ओके है, आपका सिस्टम सही काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा बियॉन्ड का लिमिट जाएगी, तो उस केस में मुझे राजे इसका वोल्टेज को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं परमिसिबल रेंज की बात करूँ, तो परमिसिबल रेंज ऑफ द वोल्टेज क्या है, या मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितनी पॉसिबल है राजे, प्लस माइनस 5% ऑफ बी रेटेड, ठीक है। तो लिखिए परमिसिबल परमिसिबल वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज प्लस माइनस 5% ऑफ रेटेड वैल्यू, ठीक है। इफ बी रेटेड को अगर मैं 1 पर यूनिट ले लूं, तो मैक्सिमम परमिसिबल रेंज क्या होगी इसकी, 1 प्लस माइनस 5% ऑफ 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो मेरे पास दो वैल्यूज लाई करेंगी। इसकी वैल्यू मींस आपकी जो वोल्टेज है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो आपकी 1.05 और 0.95 के बिटवीन रहनी चाहिए। दैट इज द परमिसिबल रेंज, ठीक है। दिस इज योर परमिसिबल रेंज, राइट। यहाँ तक ओके हो गया भाई। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वोल्टेज आपकी मोर देन 1.05 पर यूनिट आ रही है, इसके साथ भाई पर यूनिट लगा लेना, ठीक है, तो भी मुझे वोल्टेज कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, या मैं लास्ट में लिखवा देता हूँ, या वोल्टेज लेस देन हो जाए 0.95 पर यूनिट, देन वोल्टेज कंट्रोल, हाँ जी, वोल्टेज कंट्रोल क्या करनी पड़ेगी, इज डन, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मुझे करनी पड़ेगी उस केस में, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वोल्टेज मुरी मेरे पास अंडर वोल्टेज आ रही है, मींस रेटेड वैल्यू से प्लस माइनस माइनस 5% कम आ रही है, मींस अंडर वोल्टेज, या फिर ओवर वोल्टेज आ रही है राजे, दोनों केस में मुझे वोल्टेज को कंट्रोल करना क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज को कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, तो वोल्टेज को कंट्रोल हम दो मेथड से कर सकते हैं भाई, वोल्टेज कंट्रोल बाय टू मेथड, ठीक है। एक होता है इंटरनल मेथड, इंटरनल मेथड, दूसरे आपके पास होता है जी एक्सटर्नल मेथड, ठीक है। इंटरनल मेथड में क्या है, हाँ जी, हम अल्टरनेटर की एक्साइटेशन चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एवीआर, ठीक है। एवीआर क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम भाई, आपके पास जो वोल्टेज अगर मान लीजिए कम हो रही है, तो इसकी हेल्प से हम वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा आ रही है, तो इसकी हेल्प से हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी, बोलो। लेकिन ये जो आपके पास सिस्टम होता है, इस ये आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो वोल्टेज ऑफ द सिंगल बस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एट अदर बस, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ बसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो एक बस की वोल्टेज मैं अकेले चेंज नहीं कर सकता, उसके साथ मेरे पूरे सिस्टम की वोल्टेज चेंज होगी, इसके लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इंटरनल मेथड को ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो लिखना, लिख लो, द एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर, द एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर विल बी चेंज्ड बाय यूजिंग एवीआर। एवीआर होता है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, सच दैट वोल्टेज विल बी करेक्टेड एट द रिक्वायर्ड बसेस, ठीक है। एक्साइटेशन हम इस अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, सो दैट यहाँ पे आपको वोल्टेज करेक्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज आ रही है, सिर्फ उसी बस के ऊपर मेरे पास वोल्टेज में चेंजेज आए, ठीक है। तो आगे लिखिए, सिंस आ जनरेटर सप्लाइड पावर टू मल्टीपल बसेस, सिंस आ जनरेटर सप्लाइज पावर टू मल्टीपल बसेस, सो दिस मे कॉज अदर बस वोल्टेज टू गो आउट ऑफ लिमिट्स, ठीक है। जो चीज जिस पे आपकी अंडर ओवर वोल्टेज आ रही है राजे, उसको करेक्ट करने के लिए हम जो इसको पावर सप्लाई करेंगे, लेकिन वो तो सभी बसेस के साथ कनेक्ट होता है, इसका मतलब उनको तो करेक्ट कर लेंगे जिसमें दिक्कत आई है, लेकिन दूसरी जो बाकी रहती है, जो पहले विद इन लिमिट आ रही थी, उनको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। सो वोल्टेज ऑफ सिंगल बस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड,
सो वोल्टेज ऑफ अ सिंगल बस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एट अदर बस, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज एट अदर बस। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, हम बाहर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर। ठीक है, ये चीजें आप लिख लो भाई इसके अंदर, बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर। बताएंगे आपको एक दो प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, उसके साथ आपका कंसेप्ट समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, शंट रिएक्टर आपके पास हो गया, ठीक है, आपके पास सीरीज कैपेसिटर हो गया, सीरीज कैपेसिटर, और क्या आपके पास होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, और आपके पास होता है भाई सिंक्रोनस कॉयल, सिंक्रोनस कॉयल, और हम बोल सकते हैं इंडक्टर। ठीक है, एक सिक्स्थ आपके पास होता है भाई सिंक्रोनस, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, बोलो जी, आपके पास सिस्टम को, सिस्टम की जो वोल्टेज है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी, बोलो, ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब हम रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, फिर हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि जो आपकी वोल्टेज है वो, अगर मैं आपकी रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर लूँ तो मेरी वोल्टेज क्या हो जाएगी राजी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ओके हुआ? बोलो, तो आगे लिखिए नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। यहाँ पे भी हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की बात आ रही है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिस चीज का जैसा नेचर ऑफ पावर फैक्टर होगा वो डिवाइस उसी टाइप की पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसी पावर की, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर का मतलब होता है लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब इंडक्टर जो होगा वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, मींस कैपेसिटर आपका लीडिंग पावर फैक्टर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टर का केस देख लेते हैं भाई। मान लीजिए मैंने एसी सप्लाई, ये जो एसी सप्लाई है वी एंगल ऑफ 0 डिग्री, मैंने इंडक्टर को सप्लाई कर दी है। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो अगर वोल्टेज वी का हम रेफरेंस 0 डिग्री ले लें, ठीक है, तो करंट आई क्या होगा राजे, बोलो, करंट आई का जो एंगल होगा वो -90 डिग्री होगा, मान लीजिए मैग्नीट्यूड उसकी आई है। ठीक है, तो एस क्या होता है, वी आई कंजुगेट होता है कि नहीं होता राजे, बिल्कुल सर होता है, इसमें एस की वैल्यू जो आ जाएगी, वी आई का कंजुगेट कितना हो जाएगा, +90 डिग्री। ठीक है, मीन्स वी आई cos 90 डिग्री प्लस जे वी आई sin 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस जे, बोलो जी, वी आई। ठीक है, मीन 0 प्लस जे, यहाँ पे ऐसे लिखिए पी प्लस जे क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो आपका कैपेसिटर होगा, सॉरी इंडक्टर होगा, वो एक्टिव पावर 0 कंज्यूम करेगा, लेकिन जो क्यू आ रही है आपकी इस केस में, क्यू कितनी आ रही है राजी, मोर देन 0 आ रही है। मोर देन 0 का मतलब क्या है, आपकी पॉजिटिव है, मीन्स इंडक्टर एब्जॉर्ब, इंडक्टर एब्जॉर्ब, हाँ जी, लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर आपका कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, क्योंकि करंट आपका ऐसे ही जा रहा था ना, करंट कैसे जा रहा था, +2 -। ठीक है, मान लीजिए ये वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो करंट है आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में पावर आपकी भाई कंज्यूम होती है। ठीक है जी, आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ही बदल दूं, करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपने अभी माइनस आई कर दिया, ठीक है, जो प्लस माइनस रेफरेंस था राजे। ठीक है, आप करंट -2 + जा रहा है, मीन्स इस केस में आपका जो इंडक्टर होगा राजे, वो पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ठीक है, लेकिन कौन सी करेगा, बोलो जी, लीडिंग करेगा। ठीक है, ये आप ऑलरेडी नेटवर्क थ्योरी में जानते हो भाई। ठीक है, अगर कोई डिवाइस, मान लीजिए कोई डिवाइस
पी वॉट एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्ड देन सेम डिवाइस माइनस पी वॉट क्या करेगा राजे, डिलीवर्ड करेगा, ठीक है डिलीवर्ड करेगा, बिकॉज एज पर कंजर्वेटिव लॉ ऑफ पावर आपका सम ऑफ पावर जीरो रहना चाहिए, ना तो वो पावर कंज्यूम करेगा ना डिलीवर करेगा, मीन्स उसने जितनी पावर कंज्यूम करी उतनी ही उसने दूसरी नेगेटिव डिलीवर कर दी, ठीक है, तो नेट पावर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब इस केस में बताइए मुझे, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम की बात करूँ, यहाँ पे वी था और करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है 90 डिग्री लैग कर रहा है, मीन जो रेक्टिव पावर कंज्यूम करेगा राजे वो लैगिंग नेचर का करेगा, ठीक है, कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि ये आपका पैसिव एलिमेंट है, ठीक है पैसिव एलिमेंट है तो ये कंज्यूम करेगा, ठीक है जी। चलिए अगर मैं इस केस की मैं बात करूँ, अब करंट जो मेरा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मीन्स डिलीवर करेगा, राइट, तो यहाँ पे क्या करेगा वो डिलीवर करेगा, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिव पावर निकाल लूँ तो क्यू वो क्या होगा बोलो, अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज वी ले लूँ तो माइनस आई करंट का रेफरेंस ऊपर को जाएगा, मतलब क्या हुआ बोलो जी, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ ये जो करंट है वो अब 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लीड करेगा, और जो रिएक्टिव पावर की वैल्यू होगी राजे दैट इज नथिंग बट, हाँ जी वोल्टेज कितना है वी, करंट कितना है माइनस आई, ठीक है एक्टिव पावर तो मेरी जीरो ही रहेगी तो माइनस वी आई आ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है बोलो जी डिलीवर्ड, ठीक है, इसका मतलब जो इंडक्टर होगा आपका वो लैगिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, इसका मतलब लीडिंग क्या करेगा राजे बोलो जल्दी से, डिलीवर करेगा, ठीक है, तो इंडक्टर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपका इंडक्टर होगा वो एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं और इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगा डिलीवर करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत। ऐसे ही हमारे पास कैपेसिटर का केस आएगा, ठीक है कैपेसिटर का केस का मतलब क्या है, ये आपके पास कैपेसिटर है राजी, ये मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया, ठीक है यहाँ पे करंट आई गया, ठीक है मान लीजिए वोल्टेज वी एंगल ऑफ 0 डिग्री है जैसे हमने ऊपर वाले केस में कंसिडर किया था, ठीक है, और जो इसका करंट होगा राजी उसका एंगल कितना होगा, ये वी एंगल ऑफ 0 डिग्री है, वोल्टेज की वैल्यू करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए एंगल आई, एंगल का जो फेज होगा दैट इज +90 डिग्री, ठीक है, तो एस की अगर मैं बात करूँ वी आई कॉन्जुगेट, ठीक है तो एस की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी वी आई इसका एंगल -90 डिग्री, ठीक है जब इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस वी आई आएगा, ठीक है मीन्स यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो <0 आ रही है, ठीक है <0 का मतलब क्या है लीडिंग, ठीक है, तो कैपेसिटर जो होगा वो क्योंकि कैपेसिटर है ना पैसिव एलिमेंट है, क्यों मेरा <0 आ गया, ठीक है <0 कब आएगा जब पावर फैक्टर मेरा लीडिंग होगा, ठीक है इसका मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर ये क्या करेगा कंज्यूम करेगा, ठीक है सो कैपेसिटर एब्जॉर्ब, हाँ जी बोलो जी लीडिंग रिएक्टिव पावर, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर भाई कंज्यूम करेगा, और हम बोल सकते हो जो आपका कैपेसिटर होगा इसका मतलब डिलीवर्ड क्या करेगा राजे, डिलीवर्ड करेगा आपका लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, तो ऑलवेज जब हम रिएक्टिव पावर की बात करते हैं ना जी लैगिंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो आपका इंडक्टर होगा वो अब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर और जो कैपेसिटर होगा वो डिलीवर क्या करेगा राजे लैगिंग रिएक्टिव पावर, ये टर्म हम ऑलवेज यूज करेंगे राजे, नोट करके इसको लिख लो पॉइंट को भाई, इंडक्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर ठीक है एंड कैपेसिटर इज डिलीवर्ड
लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो लैगिंग जो लैगिंग वर्ड है वो कॉमन है, ठीक है, लैगिंग के लिए ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल दे इंडक्टर एब्जॉर्ब और रिएक्टिव पावर, तो बाई डिफॉल्ट वो लैगिंग रिएक्टिव पावर की बात कह रहा है, ठीक है। अगर बोलेगा कैपेसिटर डिलीवर रिएक्टिव पावर, मीन्स वो लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। बोलो जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब नोट के अंदर मैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ भाई, उसको आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है। तो नोट जैसे ही करोगे देखिए क्या होगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्टिव पावर। हमने नेटवर्क थ्योरी में ये बताया था, जब भी करंट मेरा प्लस टू माइनस जाएगा, पावर मेरी क्या होगी राजी, पावर इज एब्जॉर्ब, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर माइनस प्लस है और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये तो बात सेम ही बन गई भाई। मान लीजिए करंट मेरा ऐसे जा रहा है माइनस टू प्लस, तो इस केस में पावर क्या होगी राजी, पावर इज डिलीवर्ड, ठीक है। ये चीज बताई थी, आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। फॉर द केस ऑफ रियल पावर, इफ करंट अज्यूमिंग एंटर द डिवाइस, ठीक है, इसके अंदर ए पॉइंट लिखता हूं, इफ करंट इज एंटरिंग द डिवाइस, अगर करंट आपका एंटर करेगा डिवाइस के अंदर, मींस आपका जो करंट है अगर वो प्लस टू माइनस जाएगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। बोलो जी, ऐसा हो गया, अगर करंट आपका प्लस टू माइनस जा रहा है, ठीक है, और आपकी जो पी है, अगर मान लीजिए पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका डिवाइस होगा वो एब्जॉर्ब करेगा राजे एक्टिव पावर, ठीक है। अगर पी मेरा लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, तो डिवाइस क्या करेगा राजे, डिलीवर करेगा, डिवाइस डिलीवर्ड, हाँ जी, एक्टिव पावर। अगर आपको ध्यान हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास सिग्नल था, ठीक है, और मान लीजिए 5 वोल्ट था, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे -2 एम्पीयर अगर आपके पास करंट आ जाता था राजे, मैं सबसे पहले आपको क्या बोलता था, सबसे पहले ये बोलता था कि करंट की डायरेक्शन चेंज करो और फिर निकालो एक्टिव पावर, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं पावर निकालूं राजे, तो पावर कितनी आ जाएगी, -10, मीन्स लेस देन जीरो आ रही है, उस केस में ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा। अदरवाइज मैं आपको क्या बोलता था कि आप इसकी डायरेक्शन सबसे पहले रिवर्स करो, ठीक है, -2 एम्पीयर का +2 एम्पीयर बनाओ, ठीक है। अब देखो -2 प्लस जा रहा है, देखो करंट अब -2 प्लस जा रहा है, इसे हम डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनरल रूल आपको बता दिया, अगर कैलकुलेट करने के बाद पावर आपकी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और पी जो आपने कैलकुलेट करनी थी, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई किया, अगर वो पॉजिटिव आ गया मीन्स एब्जॉर्ब करेगा, अगर नेगेटिव आ गया तो डिलीवर करेगा, राइट। बोलो, ओके हो जाएगा यहाँ तक, हाँ जी, ओके है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ करंट इज, ठीक है, अगर मान लीजिए जो करंट है वो लीव कर रहा है डिवाइस से, ठीक है, करंट इज लीविंग द डिवाइस, ठीक है। लीविंग द डिवाइस का मतलब क्या है, कि करंट आपका -2 प्लस जा रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर पी जो आप कैलकुलेट कर रहे थे अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, मींस डिलीवर करेगा भाई। बोलो जी, ऐसे ही करते थे ना, एक यार आप भूल जाते हो, ठीक है। इसका मतलब डिवाइस क्या करेगा, इस केस में डिवाइस क्या करेगा राजी, बोलो, डिलीवर्ड एक्टिव पावर और रियल पावर, ठीक है। अगर पी मेरा लेस देन जीरो आ गया, तो जो मेरा डिवाइस होगा राजी, डिवाइस एब्जॉर्ब एक्टिव पावर। बोलो जी, जहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, बिल्कुल ओके हो गया भाई। तो ये थे आपके पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्टिव पावर, ऐसे हम बताते हैं आपको पॉइंट्स रिगार्डिंग रिएक्टिव पावर, पॉइंट्स रिगार्डिंग रिएक्टिव पावर।
ठीक है, तो रिएक्टिव पावर में देखिए, बोलें जी रिएक्टिव पावर, बोलो जी। हाँ जी ओके, तो रिएक्टिव पावर के लिए जनरल रूल तो ये है, अगर क्यू मेरा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है, जैसे आपका इंडक्टर है ना, अगर प्लस का क्यू है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर क्या आपकी लैगिंग है, रिएक्टिव पावर उस केस में हम लैगिंग बोलेंगे, रिएक्टिव पावर इज लैगिंग। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ भाई, ये चीजें कहीं पे नहीं लिखी होती, ठीक है, ऑलवेज कंफ्यूजन रहती है कि एक्टिव लैगिंग और लीडिंग कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। अगर क्यू मेरा लेस देन जीरो है तो रिएक्टिव पावर क्या होगी राजी? अभी मैंने कंज्यूम और डिलीवर के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ लीडिंग कब होगी और लैगिंग कब होगी, ठीक है। तो क्यू अगर पॉजिटिव है तो लैगिंग है, क्यू लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव है तो लीडिंग है, जैसे इंडक्टर में पॉजिटिव आती है और कैपेसिटर के केस में नेगेटिव आती है, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव आई थी इन केस ऑफ कैपेसिटर, और इन केस ऑफ बोलो, इन केस ऑफ इंडक्टर आपके पास क्या आया था, पॉजिटिव आया था, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यहां तक ओके हो गया। अब इसके अंदर पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर ए लिखें भाई, इफ करंट इज अज्यूम एंटरिंग द डिवाइस, इफ करंट इज एंटरिंग द डिवाइस, अगर करंट आपका डिवाइस से बाहर निकलेगा, सॉरी एंटर करेगा, तो एंटर करने का मतलब है करंट आपका प्लस टू माइनस जा रहा है, ठीक है। हाँ जी प्लस टू माइनस जा रहा है, तो उस केस में अगर एक्टिव पावर मेरी मोर देन जीरो आ गई, ठीक है, तो एंटर द डिवाइस मीन्स अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो डिवाइस क्या करेगा राजी? डिवाइस एब्जॉर्ब्ड, हाँ जी, कौन सी पावर एब्जॉर्ब करेगा? लैगिंग, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग, बोलो रिएक्टिव पावर। ओके हुआ यहां तक? अगर मान लीजिए क्यू आपका लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, क्यू लेस देन वन का मतलब क्या है, आप जो डिवाइस होगा राजी, डिवाइस इज एब्जॉर्ब्ड, हाँ जी, लीडिंग रिएक्टिव पावर। ओके हो गया। दूसरा, इफ करंट इज लीविंग द डिवाइस, अगर करंट मेरा डिवाइस से बाहर निकल रहा है, मीन इस टाइप से, मीन्स माइनस टू प्लस जा रहा है, ठीक है, माइनस टू प्लस जा रहा है मीन्स बोलो आपकी डिलीवर करेगा रिएक्टिव पावर, ठीक है, लेकिन माइनस टू प्लस जा रहा है, मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो आ गया, मीन्स क्या होगा, डिवाइस, हाँ जी, डिलीवर्ड, हाँ जी, पॉजिटिव मीन्स लैगिंग, लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या है, देखो करंट मेरा माइनस टू प्लस जा रहा है, मीन डिलीवर ही करेगा उस केस में, अगर क्यू पॉजिटिव है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था क्यू पॉजिटिव का मतलब होता है लैगिंग, नेगेटिव का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है। अगर करंट मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मीन डिलीवर करेगा, अगर क्यू पॉजिटिव है तो लैगिंग डिलीवर करेगा, अगर क्यू नेगेटिव है तो बोलो लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, ठीक है जी, यहां तक ओके हो गया भाई। ओके, तो डिवाइस इस केस में क्या करेगा, डिवाइस डिलीवर्ड, हाँ जी, क्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। ऐसे लिए इसीलिए हमने इंडक्टर के केस में भाई बता दिया था आपका, आपके पास ये वोल्टेज वी होती है, करंट ऐसे जा रहा है मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मीन्स एब्जॉर्ब करेगा, और आपकी क्यू आपकी पॉजिटिव आ गई थी भाई, जो रिएक्टिव पावर है वो मोर देन जीरो आ गई थी, मीन्स लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब। फिर हमने इसी को एग्जाम्पल ले लिया था, अगर प्लस माइनस बी है, हमने माइनस आई दिखा दिया ना, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मीन्स लीड करेगा, सॉरी डिलीवर्ड करेगा, ठीक है, डिलीवर्ड करने का मतलब क्या है, कितनी डिलीवर्ड, हाँ जी डिलीवर्ड करेगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, इस फिगर में देखिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मीन्स डिलीवर करेगा, लेकिन जो क्यू आप निकालोगे वो माइनस वी आई हो गया, मीन्स लेस देन जीरो, ठीक है, नेगेटिव लेस देन जीरो वाली कौन सी होती है, लीडिंग, तो डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई आपके पास, रिएक्टिव पावर। मोस्टली आपके पास रिएक्टिव पावर में ही कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो क्यू पॉजिटिव मींस लैगिंग है, क्यू नेगेटिव है मींस लीडिंग है, ठीक है। कंज्यूम या डिलीवर होगा वो आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और क्यू मेरा पॉजिटिव है तो मींस लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो आपने भाई इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है, हो जाएगा भाई। चलिए तो ये मेरे पास भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। एक दो मैं बस आपको मेथड बताऊंगा क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं है, ज्यादा इसमें बस यही था आपके पास रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट, ठीक है। और एक्टिव पावर डिलीवर कैसे होगी और अब्सॉर्ब कैसे होगी, ठीक है। तो लिखिए वोल्टेज कंट्रोल, लिखें जी इसके अंदर। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बस सिस्टम है, दो बसेस मैंने यहाँ पे लगा रही हैं। एक पे वोल्टेज मान लीजिए बी एस एंगल ऑफ डेल्टा है, एक पे मेरे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है राजी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया है, दिस इज लोड, ठीक है। और सेंडिंग एंड साइड से मान लीजिए पी एस जे क्यू एस मैं अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, जो रिसीविंग एंड पे पहुँच रही है पी आर दैट इज नथिंग बट सॉरी एस आर दैट इज इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर, बोलो जी, ठीक है जी। हम मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो लॉसेज है वो जीरो है, पी लॉसेज इक्वल टू जीरो है, और जितनी आपकी सेंडिंग एंड से पावर चल रही है वो सारी की सारी कहाँ पे पहुंच रही है, रिसीविंग एंड पे। ऐसे ही क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। तो सेंडिंग एंड कम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हो राजी, सेंडिंग एंड कम्प्लेक्स पावर बोलो कितनी होगी, एस एस दैट इज इक्वल टू बी एस इंटू आई एस का कंजुगेट, ऐसे हो जाएगा भाई। एस एस दैट इज इक्वल टू बी एस एंगल ऑफ डेल्टा, हाँ जी आई एस कैसे निकलेगा, वी एस माइनस वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री, इसका एंगल था डेल्टा, बी एस एंगल ऑफ डेल्टा माइनस वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री, नीचे क्या है एक्स, मान लीजिए जी एक्स है, ठीक है, ये क्या है जी एक्स है, राइट, ओके हुआ। और इसका क्या कर देना आपने कंजुगेट, ठीक है। तो एस एस क्या हो जाएगा बी एस एंगल ऑफ डेल्टा, हाँ जी इसका कंजुगेट कर दो, बी एस एंगल ऑफ माइनस डेल्टा माइनस वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री, जे का कितना हो जाएगा माइनस जे एक्स, ओके हाँ जी ओके हो जाएगा। या फिर ऐसा करिए आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, इस पे मैं पहले जे का आपके पास नेचर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बी ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स, जे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -90 डिग्री, माइनस वी आर बाई एक्स एंगल ऑफ -90 डिग्री, ठीक है। इसका क्या करेंगे कॉन्जुगेट, बात सेम है, ठीक है, चाहे बाद में कर लो चाहे पहले कर लो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। बी एस डिवाइड बाई एक्स एंगल कितना आएगा 90 माइनस डेल्टा, बी आर बाई एक्स एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, राइट, बोलो जी, हो जाएगा। एस ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, बी एस का स्क्वायर एक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस वी आर बी एस डिवाइड बाई एक्स एंगल 90 प्लस डेल्टा, राइट। चलिए तो अगर मैं क्यू ऑफ एस की बात करूं, दैट इज इक्वल टू बी एस का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन 90 डिग्री, वो 1 आ जाएगा, वी आर बी एस डिवाइड बाई एक्स, हाँ जी कॉस 90 प्लस एक्स, ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा। तो वो आ जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा, ओके हुआ। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई, हाँ जी ओके है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज इक्वल टू बी एस डिवाइड बाई एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा बी एस माइनस बी आर कॉस ऑफ डेल्टा, ठीक है। और आपका डेल्टा आपका भाई वेरी स्मॉल होता है, और मान के चल रहा हूँ मैं कॉस स्मॉल एंगल का अप्रोक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उस केस में क्यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू बी एस डिवाइड बाई एक्स एस
बी एस माइनस बी आर, बोलो ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? बिल्कुल हो जाएगी। तो बी एस माइनस वी आर दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्यू एक्स इंटू क्यू ऑफ एस डिवाइड बाई बी ऑफ एस, ठीक है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस एक्स क्यू एस डिवाइड बाई बी ऑफ एस, ठीक है। ये चीज आपके पास भाई आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं क्यू ऑफ एस को वेरी कर दूं तो मेरी वोल्टेज जो है वो वेरी हो जाएगी, राइट? बोलो जी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सेंडिंग एंड फिक्स होगी आपकी। तो अगर मान लीजिए मेरी रिसीविंग एंड वोल्टेज बढ़ रही है, तो क्यू एस को मैं इस टाइप से करूंगा सो दैट मेरी ओवरऑल वैल्यू रेटेड वैल्यू की अप्रोक्स आ जाए, ठीक है। अब जो सोर्स को, जो आपको लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए, अगर वो सारी की सारी सोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों रिएक्टिव पावर क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो वी आर होगा बी एस माइनस एक्स क्यू एस डिवाइड बाई बी ऑफ एस हो, ठीक है। ये मेरे पास भाई फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक हुई इतनी बात भाई? इसको हम क्यू एल लिख सकते हैं भाई। तो इसको हम वेरी करेंगे, इसको हम वेरी करेंगे तो मेरे वी आर वेरी कर जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके है? हाँ जी, हो जाएगा ओके? बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं शंट कैपेसिटर, दो के देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल का। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शंट कैपेसिटर, तो लिखिए नेक्स्ट शंट कैपेसिटर। देखें भी इसको, चलिए। तो शंट कैपेसिटर आप लिखिए सबसे पहले, इट इज यूज्ड टू करेक्ट अंडर वोल्टेज, इट इज यूज्ड टू करेक्ट, हाँ जी, अंडर वोल्टेज इन द सिस्टम, ठीक है। और वी कैन से सिंपली बस इतना बोल सकते हो, इट इंक्रीजेस द रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसे करेगा वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम विदाउट शंट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, विदाउट शंट कैपेसिटर, हाँ जी, शंट कैपेसिटर के पहले क्या था? जो सप्लाई आपकी वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू लोड, ऐसे ही जो लोड की रिएक्टिव पावर को रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कौन देगा राजी? पी एस देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये हुआ आपका जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से बनेगा राजी। यहाँ पे मान लीजिए जो लोड लगा हुआ था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पी लोड प्लस ये क्यू लोड है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही थी राजी? पी एस जे क्यू ऑफ एस। बोलो जी, मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंस जी एक्स है और सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ पे है रिसीविंग एंड वोल्टेज, राइट? तो विदाउट शंट कैपेसिटर मेरे पास ये चीज आएगी, और वोल्टेज आप निकाल रखी है भाई आपके पास, यही वोल्टेज का मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। बोलो जी, तो इसका मतलब ये हुआ जो वी ऑफ आर है, जो आपका फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट, ये मैग्नीट्यूड में आ रही सारी की सारी चीजें, माइनस एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एस इंटू क्यू ऑफ एस, यही था ना भाई? अब विदाउट शंट कैपेसिटर आपकी जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कौन दे रहा है भाई? क्यू ऑफ एस दे रहा है, ठीक है। हेंस हम ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर वन लिख देते हैं भाई बिफोर द कंपनसेशन, दैट इज इक्वल टू वी ऑफ एस माइनस एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एस इंटू क्यू लोड, ठीक है जी। अब नाउ शंट कैपेसिटर इज यूज विद शंट कैपेसिटर, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे राजीव? शंट कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो डायग्राम आके बनी थी वो आपके पास ये हो जाएगी, जी पी लोड प्लस जे क्यू लोड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पी एस प्लस जे क्यू ऑफ एस, ठीक है। अब हमने क्या किया, शंट कैपेसिटर भाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या कनेक्ट कर दिया? शंट कैपेसिटर, जो रिएक्टिव पावर कितनी देगा? क्यू शंट, ठीक है, कितनी देगा? क्यू शंट देगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो आपके पास
लोड को जितनी एक्टिव पावर चाहिए होगी वो सारी की सारी आपके पास पी ऑफ एस देगा, ठीक है। अब जो मेरे पास रिएक्टिव पावर है राजी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो मुझे जल्दी से बताओ। आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट देख चुके हो ना ऑलरेडी, ठीक है। जो सेंडिंग एंड से एक्टिव रिएक्टिव पावर जाएगी वो लोड को जितनी पावर चाहिए होगी और जितनी आपकी शंट कैपेसिटर दे देगा, ठीक है। जो बच जाएगी वो सारी की सारी कौन देगा, क्यू ऑफ एस देगा। बोलो ओके हो जाएगा। इसका मतलब वी आर टू की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है राजे, दैट इज नथिंग बट बोलो वी ऑफ एस माइनस एक्स डिवाइड बाई वी ऑफ एस। क्यू लोड की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें राजे, बोलो सॉरी, जो क्यू ऑफ एस था ना यहाँ पे फॉर्मूले में क्यू ऑफ एस था उसकी जगह पे हम, ये देखो क्यू ऑफ एस था ना, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, क्यू ऑफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो क्यू ऑफ एस की वैल्यू कितनी आई है राजे, दैट इज क्यू लोड माइनस क्यू शंट। हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू लोड माइनस क्यू शंट, बोलो जी ओके हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूँ राजी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वी आर टू माइनस वी आर वन, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो जल्दी से, जब दोनों माइनस करेंगे बी एस के साथ बी एस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो आपके पास क्यू लोड वाला फैक्टर है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एस इंटू क्यू शंट, ठीक है। ये चीज़ बच जाएगी, दोनों को माइनस करके देखो भाई, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास देख सकते हो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है राजे, पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपकी क्या होगी राजे, इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शंट कैपेसिटर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप दो कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोल दो, ठीक है। जब दोनों को हम डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स मेरी वोल्टेज क्या होगी राजे, इंक्रीज होगी, ठीक है। कितनी वोल्टेज इंक्रीज होगी, उसको हम डेल्टा बी सी बोल दें राजे, बोलो जी, एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एस इंटू क्यू शंट, ओके हुआ इतनी बार। इसका मतलब जो वी आर टू है वो मेरा मोर देन आ गया राजे वी आर वन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मेरी वोल्टेज क्या होगी राजे, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीज है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी, बोलो ओके हो गया। तो अगर मैं बोल आपसे पूछूं रेटिंग बताओ शंट कैपेसिटर की टू इंक्रीज द वोल्टेज डेल्टा वी सी, ठीक है, बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। रेटिंग ऑफ शंट कैपेसिटर बैंक टू राइज वोल्टेज बाई डेल्टा बी सी, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्यू शंट की वैल्यू निकाल देनी है राजे। ये आपके पास रेटिंग हो जाएगी कितनी एक्टिव पावर सप्लाई करेगी, दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज, इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल्टा बी ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगी भी रेटिंग, ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास लैगिंग पावर फैक्टर का केस था, उस केस में वोल्टेज मेरी कम हो रही थी, उसको इंक्रीज किसने किया भाई, शंट कैपेसिटर ने किया, ठीक है। तो जिस पॉइंट को भाई आप नोट कर लीजिए, तो शंट कैपेसिटर मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड्स वेयर वोल्टेज आर ऑब्जर्व्ड एल्स फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होगा, वो आपका ओवर वोल्टेज कर देगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्योंकि लीडिंग के केस में आपकी वोल्टेज ज़्यादा ही आती है, ठीक है। एल्स फॉर लीडिंग पावर फैक्टर इट विल कॉज ओवर वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका शंट कैपेसिटर है राजे, वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, आगे हम बताते हैं थोड़ा सा। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं करंट की फेजर डायग्राम की बात करूं, फेजर डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू देखूं, विद रिस्पेक्ट टू फेजर डायग्राम, तो उस केस में राजे क्या होगा, मान लीजिए करंट जो स्टार्टिंग में आपका जो सप्लाई हो रहा था, दैट इज आई वन एंगल ऑफ माइनस फाइव, ठीक है।
हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम अज्यूम करंट इन द लाइन, यहाँ पे लिख लो भाई इसके ऊपर, करंट इन द लाइन इज, अच्छा अज्यूम मैंने पहले लिख दिया, इज अ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। मान लीजिए पावर फैक्टर मेरा लैगिंग है, तो इसका मतलब आई वन एंगल ऑफ माइनस आई एस हो जाएगा, और जो मेरे पास मान लीजिए स्टार्टिंग का जो एंगल होगा वो मान लीजिए इक्वल टू फाई ऑफ वन हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको भी फाई ऑफ वन बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरी रेफरेंस वोल्टेज वी है, ठीक है। मान लीजिए जो मेरे पास करंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसको हम आई एस वन बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रहा है जी, फाई एस वन बना रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया सर्किट के अंदर, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा राजी, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो करंट आ रहा था दैट इज आई एस वन आ रहा था, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो आई एस वन होगा राजी, जो लोड को करंट चाहिए होगा और जो कैपेसिटर में करंट जाएगा, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा राजी, सम हो जाएगा, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा, हाँ जी ठीक हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए तो अब अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो IS2 होगा, ठीक है, आफ्टर द कंपनसेशन, तो आफ्टर द कंपनसेशन जो मेरे पास IS2 होगा, दिस इज नथिंग बट I1 एंगल ऑफ माइनस फाइव, और साथ में क्या आ जाएगा राजी, आपका कैपेसिटर का करंट हो जाएगा वो 90 डिग्री क्या करेगा राजी, लीड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कैपेसिटर वाले करंट की बात करूं, आईसी की बात करूं, तो आईसी करंट मेरा ऐसा होगा राजी, ये मेरे पास आईसी होगा, ठीक है। अब जो मेरे पास IS2 होगा दैट इज आफ्टर द कंपनसेशन, करंट आफ्टर द कंपनसेशन, ठीक है, उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आपने IS1 में ये आईसी ऐड कर देना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया राजी, आईसी हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो IS1 प्लस आई सी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा राजी, मेरे पास दिस इज नथिंग बट IS2, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है दैट इज नथिंग बट IS2, इसका मतलब ये जो एंगल होगा दैट इज IS2, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो IS2 है वो मेरा लेस देन है IS1, और सिंपली वी कैन से दैट जो IS2 आप देख सकते हो दैट इज लेस देन IS1, ठीक है। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूँ, मीन दोनों का कॉस ले लेते हैं, कॉस ऑफ IS1, ठीक है। तो जितना एंगल छोटा होगा उतना मेरा क्या होगा राजी, बोलो कॉस मी वैल्यू, इसको लेस देन नहीं बोलेंगे, और जितनी कॉस की वैल्यू भाई एंगल छोटा होगा उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब IS2 मेरा कम है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू उसमें ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स शंट कैपेसिटर लगाने से जो मेरा पावर फैक्टर है पहले के कंपेरेटिवली वो क्या हो जाएगा राजी, बोलो जी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो जी, इसका मतलब जो आपका शंट कैपेसिटर होता है वो ऑलवेज हम यूज करेंगे फॉर द करेक्शन ऑफ पावर फैक्टर और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका शंट कैपेसिटर है वो पावर फैक्टर किस केस में आपके पास इम्प्रूव करेगा, फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ को भाई आप लिख लो भाई, तो शंट कैपेसिटर इज यूज टू इंक्रीज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये तो रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और दूसरा क्या करेगा राजे, इट इंप्रूव, हाँ जी, पावर फैक्टर इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर के केस में ये पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, ठीक है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो उस केस में ये चीज वैलिड नहीं है, समझ रहे मेरी बात, बोलो जी हो जाएगा यहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और आप ऑलरेडी जानते हो भाई आपको मैंने कितनी आपकी सी की वैल्यू रखनी होगी सो दैट पावर फैक्टर मेरा इतने से इतना हो जाए, वो ऑलरेडी हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अंदर देख चुके हैं, ठीक है जी। बोलो जी, समझ में आ रहा है भाई सभी पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं पावर की बात करूँ, अगर इसी को हम पावर की फॉर्म में देखें, एक पॉइंट और देख लीजिए भाई, आपके पास जो कंपनसेशन के साथ आपका जो पावर फैक्टर सॉरी करंट है वो पहले से कम हो रहा है, ठीक है, आफ्टर द कंपनसेशन, इसका मतलब इसके साथ जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे रहेगी सर्किट के अंदर वो भी मेरे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास करंट की वैल्यू क्या है, कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस हो जाएंगे, इसका मतलब जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी और बेटर
आपके पास क्या होगा राजे, बेटर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन होगी आफ्टर द कंपनसेशन, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप कम हो गए, ड्रॉप कम होने का मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, मैं वोल्टेज सॉरी आपके पास पावर की ट्रायंगल अभी बनाता हूं, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, पहले एडवांटेज लिख लो राजी, एडवांटेज ऑफ दिस, पहली एडवांटेज तो ये होगी आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी राजी, वोल्टेज एट रिसीविंग एंड इंक्रीज्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जो आपका करंट है राजी वो डिक्रीज हो गया है ना, करंट डिक्रीज्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अगर करंट डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएंगे राजे, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी राजे, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव्ड, ठीक है, मींस बेटर हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात। और फिफ्थ केस क्या आपका, पावर फैक्टर क्या हो गया राजे, पावर फैक्टर इम्प्रूव्ड ओनली इन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में है, ठीक है। तो जे भाई आपके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट, बोलो जी, ओके हो जाएगा, हाँ जी ओके है, बिल्कुल ओके है सर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जे मेरे पास भाई एक्टिव पावर है, ठीक है, और सबसे पहले जो मेरी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट थी राजी, अगर मैं पावर ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे Qs1, जो पहले मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों का सम मेरे पास आपको पता भी क्या होता है जी, बोलो जी, पी और क्यू का जो सम होता है वो S1 है, ठीक है, पहले की जो मेरे पास रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मान लीजिए पहले एंगल था दैट इज Φ1 था, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए क्यू सी अमाउंट ऑफ जो मेरी पावर थी वो मेरी किसने प्रोवाइड कर दी, मुझे कैपेसिटर ने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। मान लीजिए इतना अमाउंट ऑफ पावर मुझे कैपेसिटर ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इतना, ठीक है, इसका मतलब ये बच जाएगा, ये जो अमाउंट है ये मान लीजिए क्यू शंट ने प्रोवाइड कर दिया, क्यू शंट, ठीक है। तो अब मेरा जो सप्लाई वोल्टेज होगी, जो सप्लाई रिएक्टिव पावर होगी राजी, वो क्या होगी, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप प्रॉपर वे में अगर दिखा दो इसको तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। प्रॉपर वे में कैसे देखिए, कैसे, तो सबसे पहले तो जे ट्रायंगल है मेरे पास भाई, सोर्स मुझे इतनी क्या रिएक्टिव पावर दे रहा था, और एक्टिव पावर इतनी और कम्प्लेक्स पावर मेरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कैपेसिटर आपके पास आएगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, मान लीजिए इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर दे रहा है क्यू सी, ठीक है, तो इसी को उठा के, इस पूरी लाइन को उठा के यहाँ पे लिख दो भाई, तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन दे रहा है, क्यू ऑफ सी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो बाकी बचेगी वो कौन देगा राजे, सोर्स देगा, ठीक है। इसका मतलब सोर्स कितनी प्रोवाइड करेगा, इतनी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट Qs2, या आप सिंपली Q2 बोल दो, इस पहले वाली को Q1 बोल दो, ये पूरी रेड लाइन है, ये वाली पूरी लाइन की वैल्यू कितनी है, Q1 है, ठीक है। अब मान लीजिए एंगल कितना हो गया, Φ2 हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो Φ2 मेरा लेस देन है Φ1, इसका मतलब पावर फैक्टर ऑफ टू इज मोर देन पावर फैक्टर ऑफ वन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात बोलूँ तो Q2 की जो मेरे पास वैल्यू होगी राजे वो क्या होगी, Q ऑफ वन माइनस क्यू ऑफ सी, ऐसी होगी कि नहीं होगी बोलो, बिल्कुल होगी। अगर मैं क्यू ऑफ सी की बात करूं दैट इज Q1 माइनस क्यू ऑफ टू, ठीक है। तो इतनी मेरे पास रिएक्टिव पावर कौन सप्लाई करेगा, आपका कैपेसिटर करेगा, ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे वर्ड में देखूं तो P tan Φ1 माइनस tan Φ2, ठीक है, आप ट्रायंगल की हेल्प से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम मेरे पास कैपेसिटर कितनी रिएक्टिव पावर देगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी दे चीज़ें देख चुके हैं इन केस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है जी, बोलो हो जाएगा। ऐसे ही हम लास्ट एक केस देख लेते हैं भाई, शंट रिएक्टर का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, शंट रिएक्टर, शंट रिएक्टर और शंट इंडक्टर, देखिए। तो अगर मैं विदाउट शंट रिएक्टर की बात करूं, या पहले अगर इसकी मैं वर्डिंग लिखूं, ठीक है, तो ये लिख लो, इट इज यूज्ड
जैसे आपको पता फ्रंट इफेक्ट में हमने यूज किया था ना शंट रिएक्टर, मींस उसने ओवर वोल्टेज को कंज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो इट इज यूज टू अवॉइड, हाँ जी, ओवर वोल्टेज इन द सिस्टम, सो इट इज यूज्ड फॉर, हाँ जी, किस पावर फैक्टर के लिए करेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में, ठीक है। क्योंकि तो वोल्टेज इंक्रीज किस केस में होती है, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवर वोल्टेज को कम करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज यूज इन लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। अगर मैं विदाउट शंट रिएक्टर की बात करूं, विदाउट शंट रिएक्टर क्या होगा, मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी राजे, और यहाँ पे पी एल प्लस जे क्यू ऑफ एल होगा, बोलो जी। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा राजे, क्योंकि पावर फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे लिख लो पावर फैक्टर क्या है मेरे पास, लीडिंग, लीडिंग है तो क्यू मेरे पास क्या होती है राजे, नेगेटिव होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास है राजे पी ऑफ एस जे क्यू ऑफ एस, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज है मेरी वी ऑफ एस, यहाँ पे वोल्टेज है मान लीजिए वी आर वन, ठीक है, बोलो यहाँ तक ओके है। इसका मतलब पी एस मेरे पास पी लोड होगा, क्यू ऑफ एस इज इक्वल टू क्यू लोड होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। लेकिन जो क्यू लोड होगा राजे, वो यहाँ पे नेगेटिव हम लेके चलेंगे, नेगेटिव क्यों लेके चलेंगे, बिकॉज पावर फैक्टर इज लीडिंग, ठीक है, इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पावर फैक्टर लीडिंग है तो उसकी जो रिएक्टिव पावर है वो माइनस क्यू लेना है, ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा। तो वोल्टेज वी आर वन की जो वैल्यू आपके पास आएगी, दैट इज वी एस माइनस एक्स डिवाइड बाई वी ऑफ एस इंटू क्यू एस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू एस की वैल्यू पुट कर दूँ, तो वी आर वन की जो वैल्यू आपके पास आएगी, दैट इज इक्वल टू वी एस, हाँ जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई वी ऑफ एस इंटू क्यू लोड, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, बिफोर द कंपनसेशन आपकी जो वी आर वन है, देखो ये वी ऑफ एस से ज़्यादा है, समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है सेंडिंग एंड से, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर आपके पास क्या था राजी, लीडिंग था, लीडिंग की वजह से ये वोल्टेज मेरी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा राजी, लैगिंग रिएक्टिव पावर यहाँ पे लगानी पड़ेगी, सो दैट वो एक्सेस जो आपके पास वोल्टेज है वो कौन ले ले राजी, इंडक्टर, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, विद शंट कैपेसिटर, सॉरी रिएक्टर, रिएक्टर बोल दो चाहे इंडक्टर बोल दो, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, तो मेरी जो डायग्राम होगी राजे, देखिए कैसे बन जाएगी, ये मेरे पास डायग्राम बनेगी, ये मेरे पास लोड पे लगा हुआ है राजे, पी लोड माइनस जे क्यू लोड। माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मेरे पास पावर फैक्टर क्या राजे, लीडिंग है, सॉरी लैगिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लगा दिया मैंने, शंट रिएक्टर लगा दिया, ठीक है, बोलो जी। ये क्यू शंट है जो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा राजे, एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर को ये अब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे पावर कौन सी है, पी एस जे क्यू ऑफ एस, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया भाई। और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज अब कितनी हो जाएगी, वी आर टू, यहाँ पे क्या है, वी ऑफ एस है, ठीक है जी। चलिए, तो पी एस जो होगी वो पी लोड के इक्वल ही होगी, तो क्यू ऑफ एस की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे कितनी होगी, क्यू ऑफ एस की वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं, रिएक्टर ने जो पावर दी माइनस जो लोड को आपकी रिक्वायरमेंट है राजी। अब ये जो लोड है, सॉरी, जो आपका रिएक्टर है, ये पावर क्या करेगा राजे, अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर जो एरो होगा रिएक्टिव पावर का, वो ऐसे होगा, जो आपके पास कैपेसिटर का केस था राजे, कैपेसिटर के केस में आपका जो एरो था वो ऊपर को था, ठीक है, एरो इस केस में ऐसे आएगा भाई, इन केस ऑफ शंट कैपेसिटर। जो क्यू की अगर मैं बात करूँ, क्यू आपका ऐसे जाएगा, क्यू शंट, ठीक है, क्यू लोड आपके पास ऐसा होगा, यहाँ से ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया था आपके पास जो क्यू एस है और जो क्यू शंट है, दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन देखो भाई, जो बाहर को जा रहे हैं, मीन इनवर्ड आ रहे हैं, इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। इसका मतलब क्यू शंट
प्लस क्यू एस दोनों आपके लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर है भाई। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर है जो आपके पास शंट की रिक्वायरमेंट है, सॉरी जो शंट की पावर है और जो लोड की पावर है, दोनों का सम इक्वल टू क्या आना चाहिए राजे? यहाँ पर ऐसे बोल दिए क्यू शंट और क्यू एस दोनों का सम क्या आना चाहिए? लोड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ डायग्राम की बात कर लीजिए, मैं उल्टा बोल रहा हूँ भाई, आप बस जो मैंने एरो का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, क्यू ऑफ एस आ रही है, इधर को कितना जा रहा है? क्यू शंट जा रहा है, और लोड को रिक्वायरमेंट कितनी है? क्यू ऑफ लोड की है। ठीक है जी, तो आप दोनों इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग कर दो भाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं देखूँ क्यू एस प्लस क्यू लोड इक्वल टू कितना आ रहा है? क्यू शंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? दैट इज इक्वल टू क्यू शंट माइनस क्यू लोड। ठीक है जी, तो यही चीज मैंने भाई यहाँ पे लिखी है, क्यू शंट मीन्स क्यू रेक्टर माइनस क्यू लोड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन भाई? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी इंडक्टर देखिएगा, एरो आपने इंटर टू द डिवाइस करवा देना है, यहाँ पे भी आपके पास कैपेसिटर देखेगा तो आपने बाहर को निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका इंडक्टर होता है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर अब्जॉर्ब करता है, जो आपका कैपेसिटर होता है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर बोलो डिलीवर करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए इंडक्टर को अगर रिएक्टिव पावर चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि इंडक्टर को लैगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, जो कैपेसिटर होगा वो लैगिंग देता है, इसलिए हम दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं, सो दैट एक दूसरे का जो इफेक्ट है रिएक्टिव पावर का वो क्या कर ले, कंपनसेट कर ले। राइट, तो यहाँ तक ओके हो गया भाई। अगर मैं वी ऑफ आर की बात करूँ, वी ऑफ आर टू इस केस में कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, वी ऑफ एस माइनस एक्स डिवाइड बाई बी एस इंटू क्यू ऑफ एस। ठीक है, तो क्यू ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, वी ऑफ एस माइनस एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी एस, इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्यू रिएक्टर माइनस क्यू लोड। ठीक है, तो वी आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी? वी ऑफ एस माइनस एक्स डिवाइड बाई वी ऑफ एस इंटू क्यू रिएक्टर, हाँ जी, प्लस एक्स डिवाइड बाई बी ऑफ एस इंटू क्यू लोड। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो राजे, तो वी आर टू मैग्नीट्यूड माइनस वी आर वन। ठीक है, तो वी आर वन के अंदर वी एस है ये कैंसिल हो जाएगा, और जो क्यू एस लोड है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना भाई? माइनस एक्स डिवाइड बाई बी ऑफ एस इंटू क्यू रेक्टर। तो आप देख सकते हो भाई इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी राजी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो बिफोर द कंपनसेशन आपके पास ये चीज़ इंक्रीज हो रही थी, और ये उतनी चीज़ आप कम कर सकते हो बाई डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू रेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज डिक्रीज्ड बाय शंट रिएक्टर। ठीक है, शंट रिएक्टर की हेल्प से आपकी जो वोल्टेज होगी राजी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, वी ऑफ एल की जो वैल्यू होगी राजी दैट इज इक्वल टू वी एस, हाँ जी बोलो, कितनी वोल्टेज डिक्रीज करेगा? दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स लगाइए, डिवाइड बाय बी ऑफ एस इंटू क्यू रिएक्टर। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग ऑफ रिएक्टर टू रिड्यूस्ड वोल्टेज बाय डेल्टा वी एल, तो वो निकाल सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से भाई, क्यू रिएक्टर की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, बी एस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एक्स इंटू डेल्टा ऑफ बी एल। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो शंट रिएक्टर हैज़ टू बी कॉल्ड एज फ्रंट इफेक्ट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि फ्रंट इफेक्ट में वोल्टेज ज़्यादा आ रही थी ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शंट रिएक्टर हैज़ टू बी कॉल्ड एज फ्रंट इफेक्ट कंट्रोल डिवाइस एज इट रिड्यूस्ड द ओवर वोल्टेज, हाँ जी, इन द सिस्टम, कब? इन केस ऑफ
हाँ जी, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आपका जो शंट रिएक्टर होगा वो भाई आपकी वोल्टेज को कम करेगा, ठीक है। हाँ जी बोलो। हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम पावर फैक्टरी लीडिंग, ठीक है। अगर पावर फैक्टर लीडिंग है राजी, तो IS1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू I1 एंगल ऑफ ∅1, पॉजिटिव आएगा राइट। और जो ∅S1 है दैट इज इक्वल टू 51। आफ्टर कंपनसेशन क्या हो जाएगा राजी, आफ्टर कंपनसेशन आपके पास एक रिएक्टर करंट और आ जाएगा राजी, तो IS2 उस केस में जो सप्लाई करंट होगा राजी दैट इज इक्वल टू रिएक्टर का करंट आई रिएक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी राजी, -90 डिग्री लैग करेगा, प्लस I1 इंटू एंगल ऑफ 51, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो मान लीजिए वोल्टेज V है, ठीक है, VR है आपके पास। अब पावर फैक्टर जो था पहले, जो मेरे पास था रिएक्टर था, सॉरी आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर था, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि करंट मेरा लीड कर रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे करंट है मेरा, ये मान लीजिए करंट है दैट इज इक्वल टू IS1, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा था राजी दैट इज 51, ठीक है। जैसे ही आपने इंडक्टर लगाया, इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज से 90 डिग्री भाई बोलो जी आई रिएक्टर लैग करेगा, ठीक है। तो इसी को उठाकर इसमें ऐड कर दो, ठीक है, इसमें उतना ही मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आई रिएक्टर हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, IS1 प्लस आई रिएक्टर, इसका सम जो होगा दैट इज नथिंग बट IS2, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा राजी, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 51 इज मोर देन 52। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो cos 51 लेस हो जाएगा cos 52। इसका मतलब आपका जो शंट रिएक्टर है वे भी यूज करेगा राजी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, लेकिन कब, जब पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक है। जो मेरे पास शंट कैपेसिटर था वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहा था, कब कर रहा था, जब पावर फैक्टर लैगिंग था, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो शंट यहाँ पे लिखेंगे, शंट रिएक्टर यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आपका जो शंट कैपेसिटर है राजी वो क्या करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा, ठीक है। और मैं कोई बात नहीं एडवांटेज में लिखवा दूंगा, जो आपका IR2 है, ठीक है, जहाँ IS2 है वो लेस देन आ जाएगा IS1 से, ठीक है। मीन्स करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो I2R ड्रॉप भी कम हो रहे हैं, मीन्स बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, राइट। तो ये सभी पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट हैं, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, बोलो जी, ओके है। चलिए अब एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो कम हो रही है, दूसरा पॉइंट पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके पास वी कैन रिड्यूस फ्रंट इफेक्ट, ये लिख लो भाई, वी कैन रिड्यूस फ्रंट इफेक्ट वाई कनेक्टिंग शंट रिएक्टर अक्रॉस द रिसीविंग एंड, ठीक है जी, बोलो जी हो जाएगा, हाँ जी ओके है, ठीक है जी। तो भाई ऐसे आप बाकी भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो क्वेश्चन आपको बनेंगे वो हम आपको बताएंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने शंट कैपेसिटर और शंट रिएक्टर के बारे में बताना जरूरी समझा, क्योंकि बहुतों के मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि आपके पास जो शंट कैपेसिटर सिर्फ वही पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, ठीक है, लेकिन जो शंट कैपेसिटर है जी वो पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा इन केस ऑफ, बोलो जी, इन केस ऑफ बोलो लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। जो शंट इंडक्टर है वो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, समझ रहे मेरी बात। तो ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके अंदर जो रिएक्टिव पावर के जितने भी पॉइंट है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजी, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।